জয় আর পরাজয় মানে আলকা সবচেয়ে বড় কাসিনো যে সময় টাই বদল চুকা আজকাল ইয়ে সোচনা পড়বে কি সিস্টেম মে তোড় মরোড় কেসে করো লাইফ ইজ আ ফেক কাসিনো ক্রিপ্টো কারেন্সি কো কবি ভি কহি ভি খরচ কর সকতে दोस्तों 2023 एक तरफ किंग खान के नाम रहा तो वहीं दूसरी तरफ ये साल शाहरुख खान के बच्चों के लिए उतना ही खास है। जी हाँ, 2023 में जहाँ शाहरुख खान ने पठान मूवी के साथ बड़े पर्दे पर 4 साल बाद धमाकेदार वापसी की, वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी सुहाना खान ने इंडस्ट्री में अपने डेब्यू मूवी के जरिए किया है। वहीं किंग खान के बेटे आर्यन खान एक तरफ अपनी धमाकेदार वेब सीरीज ला रहे हैं जिसका नाम है स्टारडम। इस वेब सीरीज में आर्यन खान बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर और राइटर के रूप में अपने डेब्यू करने वाले हैं। तो वहीं सीरीज की लगभग शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब इस वेब सीरीज का टीजर ट्रेलर आना बाकी है। इसको लेकर अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे IMDb के अनुसार ये 2 एपिसोड की सीरीज होगी। इसके पहले एपिसोड में शाहरुख खान का कैमियो देखने को मिलने वाला है और साथ ही सीरीज में रणबीर कपूर बॉबी देओल और करण जौहर रणवीर सिंह जैसे दिग्गज कलाकारों का कैमियो देखने को मिलने वाला है। तो वहीं वेब सीरीज में मुख्य भूमिका में लक्ष्य लालवानी देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि कास्टिंग को लेकर अभी ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है। ये आर्यन खान की वेब सीरीज को बेहद ही गुप्त रखा गया है, लेकिन फिर भी खबरें सामने निकल कर आ ही जाती हैं। हाल ही में खबरें आई थी कि आर्यन खान ने वेब सीरीज के लिए बॉबी देओल को संपर्क किया था। एक सूत्र ने बताया कि बॉबी देओल पहले रेड चिलीज के साथ काम कर चुके हैं और आर्यन खान उनके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड थे और सीरीज में वे अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। इस सीरीज का निर्माण शाहरुख खान और गौरी खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस में हो रहा है। तो वहीं आर्यन खान की बतौर डायरेक्टर ये पहली वेब सीरीज होने वाली है जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो दोस्तों, आप सब स्टारडम वेब सीरीज के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।